सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले फाइनल अकाउंट्स आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आता है जर्नल एंट्रीज, इसको बोला जाता है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद का प्रोसीजर सब स्टार्ट होता है अकाउंट्स का। सो फर्स्ट वन इज जर्नल एंट्री, उसके बाद आता है लेजर, लेजर के बाद लेजर का जो बैलेंस होता है जब क्लोज करोगे उससे बनता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जो है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस का जो भी आइटम रहेगा, ठीक है, एक तो वो जाएगा ट्रेडिंग में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर बैलेंस शीट में, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। सो फाइनल अकाउंट्स के लिए आपको ट्रायल बैलेंस, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, एक तो आपको लिखना है ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर बैलेंस शीट में। नीचे लिखा आप लोग पढ़ सकते हो, ट्रायल बैलेंस जो है उसका कितना इफेक्ट होता है, ओनली वन इफेक्ट, ओके, एंड एडजस्टमेंट दिया जाता है उसके बाद में, तो उसका होता है टू इफेक्ट्स, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस जो मैंने बोला वन इफेक्ट, ओके, सिर्फ एक ही जगह पे आएगा। सो अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में कोई चीज़ दी है आपको, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, ठीक है, तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या फिर एसेट, तीनों में से एक ही जगह पे जाएगा, टीडी, पीडी एंड एसेट। उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में कुछ दिए तो एक तो जाएगा टीसी, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट या फिर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, तीनों में से एक ही जगह पे इसका पोस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो ये नोट डाउन कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए। सो जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, जो भी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा इट कम्स अंडर ट्रेडिंग अकाउंट। ऑफिस फाइनेंस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा इट कम्स अंडर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एसेट में आता है आपका सब प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी में आता है आपका सब कर्जा। टीसी में सेल्स वगैरह सब आता है जिसमें इनकम मिलेगा फैक्ट्री में। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है ऑल इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। सो जब हम लोग ये रीड करेंगे यू विल कम टू नो। फॉर्मेट आपको मिल जाएगा 11th के बुक्स में, 12th के बुक्स में, वो फॉर्मेट आप लोग रीड कर सकते हो। और फॉर्मेट वाइज कौन सी चीज़ ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, एसेट में जाएगी, लाइबिलिटी में जाएगी, वो आप लोग पहचान सकते हो। इसका डिटेल वीडियो हम लोग जल्द ही बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको हेल्प हो सके। सो मीनवाइल ये आपको राइट डाउन करना है कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, सो वी कैन सॉल्व आवर फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन इजीली, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।